ओम शांति। आज के बाबा के साकार मधुर महावाक्य हैं 10 नवंबर 2021 के। आज विशेष बाबा ने भारत की महिमा बताई कि यह भारत सब तीर्थों में महान है। यह महिमा, यह संदेश सभी को सुनाना है। और बाबा ने निंद्रा जीत बनने के लिए कहा कि रात को सोने से पहले बाप और वर्षे को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते सो जाओ, और इसी स्थिति में सोने से अंत मते सौगति हो जाएगी और दूसरे दिन सवेरे उतना ही फ्रेश होगा और ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में बनी रहेंगी। तो सुनते हैं बाबा की निंद्रा जीत बनने की विधि। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। आज मुरली का प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंत मते सो गति होंगी, निंद्रा जीत बन जाएंगे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप को और वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंत मते सो गति हो जाएंगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है। आज मुरली का गीत है, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज़ का लोभ नहीं रखना है, इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। दूसरा, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है, ज्ञान और योग में रेस करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजय भव। स्पष्टीकरण है, विजय बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजय बन सकते हो, लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। आज का स्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।